किन्नौर जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र कैलाश की यात्रा करते रहे हैं। परंतु वर्ष 2020 से कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत इस यात्रा पर किन्नौर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के चलते इस यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। 26 जुलाई को एक 3 सदस्यीय दल में जिला सिरमौर, सोलन व शिमला से संबंधित 11 लोगों को अनधिकृत रूप से किन्नर कैलाश के समीप टेंट लगाकर रुके हुए पाया, जिसके बाद उन्हें वापस रिकांगपियो लाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की संभावना भी देखी जा रही है। इस साल भी एक बैठक जिला देशमुख की अध्यक्षता में हुई थी, जिसपे सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये कोविड और यहाँ के हालात को देखते हुए, जिस तरीके से हमारे यहाँ बरसात का मौसम है, ये यात्रा इस साल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो दो इसके अधिकृत रास्ते थे, उन दोनों रास्तों पे जो था पुलिस फोर्स और होमगार्ड डिप्लॉय किया गया था, और लोगों को कि कोई भी ऊपर गैर कानूनी तरीके से ऊपर ना चला था। लेकिन 26 तारीख को कुछ ऐसी एक भेड़ पालक ने सूचना दी कि ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो है वो किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए उस रास्ते पे जा रहे हैं। ये सूचना पे तत्काल एक पुलिस दल गठित किया गया और इनको जो है इस सूचना की वेरिफिकेशन के लिए, इसकी जांच के लिए भेजा गया। जब ये पुलिस दल इस रास्ते पे गया, पूरा इसकी तलाश करता हुआ, तो एक स्थान पर किन्नर कैलाश से थोड़ा नीचे ये पाया गया कि एक टेंट में 11 लोग जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना कि वो रात के 2:30-3 बजे अवैध रास्तों को अडॉप्ट कर करके इस किन्नर कैलाश यात्रा के लिए निकले थे। इन 11 के 11 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर के इनको रेस्क्यू कर करके आज सुबह रिकांगपियो पहुंचाया है। ये 11 लोग जो हैं जिला सिरमौर और जिला सोलन और शिमला, इन 3 जिलों के लिए संबंध रखते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।